हेलो एवरीवन, टाइट हो गया टाइट हो गया, मैं लेट हो गई। इस पर रख के मिलूंगी और खोल लूँ इसको। ये पोलोथीन आपको पता है, इसमें मैंने ब्लैक क्रम्बल्स रखे थे और फिर मैंने पोलोथीन ये फट लिया, ऐसे ऐसे फट लिया। यहाँ पर मिलूँगी मेरा बेबी, थोड़ा पानी का हाथ लगाना पड़ेगा मुझे। बहुत टाइट हो गया, मुझे ना दिन भर टाइम नहीं मिल पाया सुबह तक ये सूख जाता, फिर मैं इसको फिर तोड़ती। अब हो गया ये परफेक्ट। ये ना रेड स्लीट आइटम का पाउडर है। इसको मैं ज़्यादा पतला नहीं करूँगी क्योंकि मैं पहली बार बना रही हूँ, पंजाब की मिट्टी का कुछ, और पतला करने से ये चटक जाएगा, मतलब सूखते वक्त लाइनें आ जाएंगी, इसलिए मैं इसको ज़्यादा पतला नहीं करूँगी। मुझे लगा था बेलन की ज़रूरत पड़ेगी बट नहीं पड़ी, क्योंकि इस डो को ना मैंने पहले बना कर रख दिया था। इसलिए अभी मैं इसकी शेप थोड़ी परफेक्ट कर दूं। ऐसे करने से मेरी उंगलियों के निशान नहीं दिखेंगे। जहां से टूटा हुआ वहां से भी खुल जाएगा। अब इसमें करंट साउंड के लिए मैं थोड़ी सी क्रम्बल्स डालूंगी। हाथ धो के आती हूँ मैं एक बार, या ऐसे ही हाथ से डाल देती हूँ, फिर गंदे होंगे। इधर से थोड़ा सा पहली बार बनाया है, पता नहीं बचेगा टूटेगा, जो भी हो मेहनत तो मैंने बहुत करी है। क्रम्बल्स तो आप लोगों को याद ही होंगे, मैंने ऐड कर दिए थे। ये पंजाब की मिट्टी के ही हैं, जिसने वीडियो नहीं देखी मैं उनको बता दूं, ये पंजाब की मिट्टी के ही हैं क्रम्बल्स। इसमें ना वरना करंट साउंड नहीं आएगा, बहुत सॉफ्ट हो जाएगी। अब ये जो क्रम्बल्स मैं डाल रही हूँ ना, इनकी वजह से करंट साउंड आएगा अच्छा सा। अभी तो मैं इसको अंदर ही रखूँगी और सुबह धूप निकलेगी, धूप में भी रख दूँगी अगर ड्राई हुई तो, जब तक पूरा ही वाटर एब्जॉर्ब नहीं कर लेती है अच्छे से, क्रम्बल्स चिपक से नहीं जाते ना अच्छे से।
पंजाब का बिस्किट। साइज तो मैं इसका बता नहीं सकती आप लोगों को। कॉर्नर रह गए हैं। आई विश सक्सेसफुल हो, बस अब भगवान भरोसे है। मैंने अपनी मेहनत करी है अच्छे से, ज़्यादा पतला भी डो इसीलिए नहीं करा कभी टूटे। सो बाय बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच, मिलते हैं क्रंच वीडियो में।